सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइटरूम की एक और ट्यूटोरियल देने जा रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ब्लू टोन एडिटिंग करके दिखाऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखेगा एंड तक, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल्सो प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको लाइटरूम ऐप्स ओपन कर लेना है, देन यहाँ से अपना फ़ोटो ऐड कर लेना है, मॉडल ऐड कर लेना है यहाँ से। तो हमारी पिक पहले से ऐड थी इसलिए स्किप करके आ गया। वंस अगेन अपने फ़ोटो पे क्लिक करना है तो वो ओपन हो जाएगा इसमें। सो फाइनली हमारी फ़ोटो ओपन हो चुकी है। यहाँ से अब हम इस पर लाइट्स पे आ जाते हैं और लाइट्स पे एक्सपोजर को कर लेंगे 0.1-0.1, कॉन्ट्रास्ट को -15-16 कर लेंगे इसको, हाईलाइट को -64 समथिंग कर लेंगे, 67 भी चलेगा। देन शेडो पे आना है और शेडो को बढ़ा लेना है, शेडो को बढ़ा लेना है 41 समथिंग कर लेना है, 42 भी चलेगा। वाइट्स पे आ जाएंगे, वाइट्स को -30 कर लेंगे, ब्लैक पे आ जाएंगे आप, ब्लैक को कर लेंगे -27-29। देन ये हो गया। इसके बाद ऊपर से क्रप पे चले जाएंगे और इसका फर्स्ट वाले उसमें इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, मैं तो बता दे रहा हूँ। सो ये भी हो चुका है, ये स्ट्रक्चर आप स्क्रीनशॉट कर लेना। देन इसके बाद यहाँ से आप कलर्स पे आ जाएंगे और टेम्परेचर पे आ जाना है, टेम्परेचर को कर लेना है 52। देन टिंट को कर लेंगे -25-26 समथिंग, वाइब्रेंस को कर लेंगे 16, सेचुरेशन को -2। देन यहाँ से अब कलर मिक्स पे क्लिक कर लेंगे और फोर्थ वाले पे आ जाएंगे, फोर्थ वाले पे आ जाना और फोर्थ का हमको कर लेना है यू को -30-31 समथिंग। देन सेचुरेशन को कर लेंगे -86 समथिंग कर लेना है इसको, 84-85 भी चलेगा। लुमिनस को कर लेना है +67 कर लेंगे, 65 भी चलेगा। देन थर्ड पे क्लिक कर लेना है और थर्ड का यू कर लेना है -58 कर लेना है इसको। देन सेचुरेशन को कर लेना है -100। इसके बाद लुमिनस को 74 कर लेंगे, +74। सो देख सकते हैं गाइस, इसमें वो कलर टोन इफेक्ट हो ही चुका है, अब इसमें हमको ब्लू टोन डालना है बस। देन अब सेकंड पे हमको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेकंड वाले पे आएंगे, सेचुरेशन थोड़ा कम कर लेंगे और लुमिनस थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। देन फर्स्ट पे क्लिक कर लेंगे अब और फर्स्ट वाले का यू कर लेंगे हम -24-22-25 भी चलेगा, सेचुरेशन को भी सेम कर लेना है -25-23 भी चलेगा। देन अब कर लेना है हमको फिफ्थ पे क्लिक और फिफ्थ का हमको कर लेना है यू को +84 कर लेना है, +84 कर लेना है इसको, 85 भी चलेगा। सेचुरेशन को कर लेना है 74, +74 कर लेना है इसको, 77 भी चलेगा। और लुमिनस को 73 कर लेंगे, लुमिनस को बढ़ा लेंगे 73। देन सिक्स पे क्लिक कर लेंगे और सिक्स का हमको यू कर लेना है -38। देन सेचुरेशन को कर लेना है 77, बढ़ा लेना है सेचुरेशन को 77। लुमिनस को भी बढ़ा माइनस कर लेना है, लुमिनस को -13 कर लेंगे। देन सिक्स पे आएंगे, सेवन्थ का हम कुछ नहीं करना है, सेचुरेशन को -87 समथिंग कर लेना है, एट्थ का भी यही करना है, एट्थ पे क्लिक कर लेंगे अब और एट्थ का भी सेचुरेशन -100 कर लेंगे। देन यहाँ से इसको डन कर लेना है और यहाँ कलर ग्रेडिंग पे जाना है
और इसका फर्स्ट वाला शेडो इसमें आ जाना है, और इसमें आप देख लेना, इसको स्क्रॉल कर लेंगे नीचे, और इसकी ह्यू को कर लेना है हमको 237 समथिंग, 237 समथिंग कर लेना है, और सेचुरेशन को कर लेना है 45, ये 45। अब यहाँ से इसको कुछ नहीं करना है, अभी डायरेक्ट थर्ड पे आ जाएंगे, हाईलाइट पे, और हाईलाइट का हमको इसको कर लेना है, ह्यू को कर लेना है 224 समथिंग, देन सेचुरेशन को कर लेना है 60, समथिंग। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसकी ब्लेंडिंग को 100 कर लेंगे, प्लस 100, 97 प्लस 100 भी चलेगा, वो जो भी कर लो आप। बैलेंस को माइनस कर लेंगे 59 60 समथिंग, ये 59 कर लेना है, देन ऊपर कर लेना है, और इसको कर लेना है यहाँ से बिफोर, देख लो आप यहाँ से इसको डन कर लेना है, देन यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और टेक्सचर को कर लेंगे हम -10, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, -10 12 चलेगा, ये भी चलेगा। क्लैरिटी थोड़ा बढ़ा लेंगे 13 समथिंग, 13 14, डियाजे को कर लेंगे +8, देन बिगनेट पे आएंगे और बिगनेट को कर लेना है -17, देन इसके बाद मिड पॉइंट पे आना है, मिड पॉइंट का थोड़ा माइनस कर लेंगे 29 समथिंग, फेडर को बढ़ा लेंगे, ऑलवेज बढ़ा लेते हैं फेडर +100, राउंडनेस को पिक्स के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, राउंडनेस को -29 कर लेंगे, हाईलाइट थोड़ा बढ़ा लेंगे 19 समथिंग 20, देन यहाँ से एक और है ऑप्शन डिटेल, इस पर क्लिक कर लेंगे, और शार्पिंग को हमको कर लेना है 20 20, देन कलर नाइस नॉइस रिडक्शन पे आएंगे, इसको 20 कर लेंगे, यहाँ से कॉन्ट्रास्ट पे आएंगे, कॉन्ट्रास्ट को कर लेंगे 20, ये कलर रिडक्शन को भी 20 कर लेंगे, देन हो चुका। सो ये हो गया कंप्लीट। सो गाइस देख सकते हैं फ़ोटो में अमेजिंग टोन आ चुकी है, इसको मैं आपको आफ्टर बिफोर करके दिखा दे रहा हूँ अभी, तो ये देखिए बिफोर देन आफ्टर। अब इसको ये शेयर वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करके और सेव टू डिवाइस कर लेना है। सो इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, और फाइनली ये सेव हो गया हमारी गैलरी में। सो गाइस देख सकते हैं आप आफ्टर बिफोर काफ़ी अमेजिंग लग रही है। सो फाइनली गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड बेल आइकन ऑल्सो प्रेस। धन्यवाद।